गोरखपुर के गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? साथियों, गोरखपुर के गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार 2021 से। साथियों, किससे सम्मानित किया जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार 2021 से। यह पुरस्कार एक प्रकार का वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी? महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर वर्ष 1995 में। साथियों, गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर यह पुरस्कार उसे दिया जाएगा। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है। कितनी पुस्तकों का? 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है। कितनी भाषाओं में? 14 भाषाओं में। अगला प्रश्न, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। साथियों, रवि सिन्हा को रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथियों, रवि सिन्हा 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून को शुरू होगा। साथियों, यह सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। बात करते हैं रॉ के बारे में। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई। साथियों, रॉ की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 को। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण छूने वाला देश का दूसरा सरकारी बैंक बन गया है? कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा बैंक साथियों? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा गुजरात में। कहाँ है? वडोदरा गुजरात में। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। अच्छा, ऐसा करने वाला पहला बैंक कौन सा है? SBI। पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। अगला प्रश्न, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? कौन है साथियों? भवानी देवी। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। रजत पदक किसने जीता है? उज्बेकिस्तान की जेनाब दयाबे कोवा ने। किसने? जेनाब दयाबे कोवा ने। साथियों, गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? जापान की मिसाकी इमुरा ने। किसने? जापान की मिसाकी इमुरा ने। साथियों, भवानी देवी अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। इनका जन्म 27 अगस्त 1993 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। कब? 27 अगस्त 1993 में। अगला प्रश्न, नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? कौन है साथियों? मुदित दानी। मुदित दानी जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है? नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। धन्यवाद।